इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं। अगर तुम करोड़ों लोगों के पीछे पड़ गए तो मैं गारंटी देता हूँ बॉस कि तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं तो ये कथा एक बार जरूर सुनो। एक दिन का बात है, एक कुएं के आसपास में बहुत सारा मेंढक रहा करता था। उस मेंढक के एक मालिक ने बोला कि इस गाछ पर कौन चढ़ सकता है, जो चढ़ेगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सारे मेंढकों लोगों में हलचल मच गई कि नहीं हो सकता, कोई नहीं चढ़ सकता इस पेड़ पर, हम लोग ये पेड़ पर कैसे चढ़ेंगे, यह असंभव है। देखते देखते वो मेंढक लोग ऐसे ही हल्ला कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। एक मेंढक ऊपर पेड़ पर पहुंच गया। आश्चर्य की बात यह है कि वो मेंढक जो गाछ पर सबसे पहले पुगा था और चढ़ा था, वो मेंढक बहरा था। और उसे क्या लग रहा था कि ये जो सारे मेरे दोस्त लोग हैं, सारे मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि तुम कर सकते हो, सब चिल्ला रहे हैं, सारे मेरी सफलता को देखकर हंस रहे हैं, मुझे प्रेरित कर रहे हैं, उसे लग रहा था। लेकिन वास्तविक ऐसा नहीं था। इस कथा से हमें यह सीख मिलता है कि हमें दुनिया के पीछे कभी नहीं लगना चाहिए, दुनिया तो हमें गुमराह करती रहेगी, ऐसे ही हमारे बारे में बोलती रहेगी। लेकिन हम वो इंसान हैं जो हम कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो हम नहीं कर सकते हैं उसे भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आप भी अपना समय, कीमती समय फालतू लोगों में बर्बाद मत करें और अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने की तरफ आज से और अभी से ही लग जाए। जय हिंद।